हेलो, आज हम हार्मोन के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। हार्मोन का परिचय, हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन जीव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और ये जो जीव रासायनिक पदार्थ हैं, ये देह के विभिन्न अंगों के माध्यम कम्युनिकेटर के रूप में कार्य करते हैं, संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, उनका संदेश एक दूसरे अंग को पहुंचाते हैं। तो ये जो हार्मोन है, ये प्राथमिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं विभिन्न अंगों के मध्य में। जो विभिन्न अंग होते हैं वो अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर पाए जाते हैं, और उन आवश्यकताओं को इन हार्मोन के माध्यम से एक दूसरे अंगों को प्रेषित किया जाता है। तो ये जो हार्मोन है, ये जीव रासायनिक क्रियाओं जो कि अभी सुप्त पड़ी है, अक्रिय पड़ी है, उनको जागृत करते हैं, उनको प्रारंभ होने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो हार्मोन जीव रासायनिक पदार्थ है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और जो जीव रासायनिक क्रियाएं होती हैं देह की, उनको प्रारंभ करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो इन हार्मोनों का जो संबंध है जीव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जीव रासायनिक क्रियाओं के साथ पाया जाता है। जीव रासायनिक क्रियाओं में जो दूसरे प्रकार के जीव रासायनिक पदार्थ हैं जो वहां उपयोग में आते हैं, एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स और हार्मोनों के मध्य अंतर क्या है, दोनों में भिन्नताएं क्या पाई जाती हैं? तो प्रथम जो भिन्नता है हार्मोनों और एंजाइम्स के मध्य में, श्रावण स्थल है। ये जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि एंजाइम्स बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये जो हार्मोन है ये अपने कार्य स्थल तक रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पहुंचते हैं, जबकि एंजाइम्स जो उनकी ग्रंथियां होती हैं उनकी नलिकाओं के माध्यम से अपने कार्य स्थल तक पहुंचाए जाते हैं। ये जो हार्मोन है जीव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरणा देते हैं प्रारंभ होने के लिए, ये इनिशिएटर के रूप में कार्य करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं को प्रारंभ कराते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये जीव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, गति में परिवर्तन आते हैं, ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जो जीव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, तो बिना अधिक ऊर्जा ऊर्जा का उपयोग किए हुए एंजाइम्स उस गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और ये जो रासायनिक प्रकृति है दोनों की, उसमें भिन्नताएं होती हैं। हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड प्रकृति के पाए जाते हैं, जबकि जो एंजाइम्स हैं वो केवल प्रोटीनी प्रकृति के ही पाए जाते हैं। तो ये दोनों में भिन्नताएं हैं हार्मोन और एंजाइम्स के मध्य में। अब जो हार्मोन है उनकी जैव रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की पाई जाती है उस संबंध में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। जो प्रथम कैटेगरी के जो हार्मोन है वो अमीनो अम्ल प्रकृति के पाए जाते हैं, उसमें एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन आते हैं। एपिनेफ्रिन अधिव्रत ग्रंथि द्वारा साबित किए जाते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन है इसमें दो प्रकार के हैं ये, एक तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है छोटी होती है, एक बड़े आकार की होती है, एक लंबी होती है एक छोटी होती है। जो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इसमें ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन आते हैं, जिनमें अमीनो अम्ल की संख्या 9 पाई जाती है। और जबकि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो लंबी है उसमें इंसुलिन और एसीटीज हार्मोन पाए जाते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन में जो अमीनो अम्लों की संख्या है इसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में काफी अधिक है, 100 से ऊपर अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भाग लेती हैं इंसुलिन संरचना की, इंसुलिन की संरचना में। जबकि एसीटीज हार्मोन में भी जो उपस्थित अमीनो अम्ल संख्या है वो भी 100 से अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो हार्मोन है वो दो
अलग अलग प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वाले पाए जाते हैं। फिर है प्रोटीनिक प्रकृति के हार्मोन, इनमें एक तो वर्धी हार्मोन है, वर्धी हार्मोन जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो पीयूष ग्रंथि का एक भाग है, और दूसरा है प्रोलैक्टिन, ये भी उसी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें FSH उत्तिका उद्दीपक हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो है एडिनो हाइपोफाइसिस जो भाग है पीयूष ग्रंथि का उसके द्वारा स्रावित होते हैं, और ये जो जनक ग्रंथियां होती हैं अंडाशय और वृषण दोनों पर क्रिया करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जो वसी प्रकृति के पाए जाते हैं, इसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये समस्त हार्मोन विभिन्न प्रकृति के पाए जाते हैं। धन्यवाद। प्रकृति के हार्मोनों में प्रथम है FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और दूसरा LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उटिका उद्दीपक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है पीयूष ग्रंथि का उसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन ये लिपिड प्रकृति के हार्मोन होते हैं, जिनकी संरचना में लिपिड पाई जाती है, वसा पाई जाती है। ये हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये तीन हार्मोन इस प्रकृति के पाए जाते हैं। इनका जो श्रावण है, इनका जो संश्लेषण है, वो अंडाशय और वृषण जनक अंगों द्वारा किया जाता है। तो ये जो रासायनिक प्रकृति है ये विभिन्न हार्मोनों की पाई जाती है। हम बात करते हैं जो हार्मोन है किस प्रकार से अपनी क्रिया को संपन्न करते हैं। ये जो क्रिया संपन्न करने की विधि है, मैकेनिज्म है, इसको हम विभिन्न चरणों में विभाजित कर देते हैं। प्रथम चरण है कि संश्लेषण, हार्मोनों का संश्लेषण। तो जो अंतःस्राव ग्रंथियों में उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, वो हार्मोनों का संश्लेषण करती हैं, और ये हार्मोन संश्लेषित होकर उस ग्रंथि के अंदर संग्रहित हो जाते हैं। अब जो मोचक कारक है उसकी उपस्थिति में इन हार्मोन का श्रावण किया जाता है, और ये जो हार्मोन है ग्रंथि के अंदर वो विसृत होकर रक्त परिसंचरण तंत्र में पहुंच जाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में उपस्थित जो वाहक अणु है उनके साथ बंधन स्थापित करते हैं, और फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं अपने कार्य स्थल की दिशा में। रास्ते में विभिन्न प्रकार के जो अंग है, कोशिकाएं हैं, वो इनको मिलती हैं, लेकिन ये कहीं भी अपनी क्रिया को नहीं दर्शाते हैं। अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचकर ये अपनी क्रिया को दर्शाएंगे। तो अपने लक्ष्य अंग की पहचान इनके द्वारा किस प्रकार से की जाती है वो हम द्वितीय चरण में लेते हैं। तो जो पहचान है हार्मोन के द्वारा अपने लक्ष्य अंग की, वो जो लक्ष्य अंग की कोशिका झिल्ली होती है उस पर कुछ विशिष्ट प्रकार के ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। उन ग्राही प्रोटीन की जो संरचना है और प्रवेश करते हैं, और केंद्र में प्रवेश करके जो इनकी प्रेरणा है, उनका जो संदेश है, वो वहां के डीएनए को पहुंचा देते हैं। तो ये दोनों की प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, एक प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन और एक स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन, ये दोनों विभिन्न प्रकार से अपनी क्रिया को दर्शाते हैं। तो हम प्रथम चरण में मोबाइल रिसेप्टर मॉडल को लेते हैं, जिसमें चल ग्राही मॉडल जिसको हम कहते हैं, इसके अंतर्गत जो स्टेरॉइड हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन इस प्रकार से अपनी क्रिया को दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत ये हार्मोन है, ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ बंधित होता है, और बंधित होकर ये जो प्लाज्मा झिल्ली है लक्ष्य अंग की, उसमें परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, और परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण ये जो ग्राही प्रोटीन से बंधित ये हार्मोन है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है।
और कोशिका द्रव से होकर केंद्र पहुंचता है और केंद्र पे पहुंचकर ये ग्राही प्रोटीन इससे अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है और पुनः वापिस प्राण झिल्ली पर पहुंच जाता है। जबकि जो हार्मोन है ये वहां उपस्थित जो डीएनए पर जो जीन्स होते हैं उनमें किसी विशिष्ट जीन को जागृत कर देता है और जागृत करके उसकी अनुलेखन क्रिया को प्रारंभ कराता है। अनुलेखन क्रिया के माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार के mRNA का निर्माण कराता है और विशिष्ट mRNA केंद्रक से कोशिका द्रव में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अनुवादन क्रिया के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण क्रिया संपन्न कराता है। प्रोटीन संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत एंजाइम्स और संरचनात्मक प्रोटीनों का निर्माण होता है और ये जो नवनिर्मित एंजाइम्स और संरचनात्मक प्रोटीन है वो कोशिका की जो प्रकृति है कोशिका की प्रकृति में परिवर्तन उत्पन्न कर उसको भिन्न संरचनात्मक रूप में और क्रियात्मक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो प्रथम मॉडल है चल ग्राही मॉडल, इसके अंतर्गत स्टेट प्रकृति के हार्मोन अपनी क्रिया को दर्शाते हैं। दूसरा जो मॉडल है स्थिर ग्राही मॉडल, इसके अंतर्गत जो प्रोटीनी प्रकृति के हार्मोन होते हैं वो क्रिया दर्शाते हैं। यहां जो हार्मोन है ये अपने लक्ष्य अंग के कोशिका झिल्ली पर उपस्थित ग्राही प्रोटीन के साथ बंधन स्थापित करता है और ये अंदर प्रवेश नहीं करता है, ये भाग रहकर ही संदेश को अंदर पहुंचा देता है। और अंदर क्या होता है, जो कोशिका द्रव में द्वितीय संदेश भाग होता है जो इस संदेश को ग्रहण करके कोशिका के अंदर पहुंचाता है और विभिन्न जीवाश्म क्रियाओं को जागृत करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन और रिसेप्टर दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स बनने के कारण जो आंतरिक झिल्ली पर कुछ परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, कुछ भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, कुछ डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है और इसके कारण यहां उपस्थित एक एंजाइम जो अक्रिय था वो सक्रिय हो जाता है। एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम का सक्रियकरण इस क्रिया के माध्यम से किया जाता है और ये जो हार्मोन है सक्रिय होकर ATP अणु का रूपांतरण साइक्लिक AMP में कर देता है और साइक्लिक AMP जो होता है काफी सक्रिय मॉलिक्यूल होता है। सक्रिय मॉलिक्यूल कोशिका द्रव में उपस्थित एक विशिष्ट प्रोटीन प्रोटीन काइनेज का सक्रियकरण करता है और प्रोटीन जो कि एक विशिष्ट जीव रासायनिक क्रिया को जागृत करने के लिए आवश्यक है उसका सक्रियकरण करता है। इस प्रकार से एक जीव रासायनिक क्रिया प्रारंभ होती है जो पहले रुकी हुई थी इस एंजाइम्स की उपस्थिति कारण और देह में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है और गतिविधियों के अंतर्गत हम पहले देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन। जो लक्ष्य अंग की प्लाज्मा झिल्ली है उसकी पारगम्यता परिवर्तित हो जाती है, कुछ पदार्थ जो पहले बाहर से अंदर नहीं पहुंच पा रहे थे वो प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं और जो अंदर के पदार्थ है जो बाहर जाने चाह रहे थे जो पहले बाहर नहीं जा पा रहे थे वो बाहर जाने लगते हैं। तो पारगम्यता जो लक्ष्य अंग की कोशिका झिल्ली की है उसमें परिवर्तन करके ये पदार्थों का जो संचरण है उसको बढ़ा देता है या घटा देता है। श्रावण सिक्रीशन क्रिया, जो कोशिकाओं में पदार्थ का उत्पादन हो रहा है उन पदार्थों को बाहर निष्कासित करके उनका श्रावण किया जाता है एक विशिष्ट एंजाइम्स की उपस्थिति में जो कि यहां बना है। मेटाबॉलिज्म क्रिया, उपापचय क्रिया में परिवर्तन किया जाता है उसको जागृत किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का रूपांतरण वसा में, वसा का रूपांतरण कार्बोहाइड्रेट्स में या प्रोटीन में, ये क्रियाएं उपापचय जो क्रिया है इसके संदर्भ में की जाती है। तो ये क्रियाएं अवस्था अनुसार होती है देह में तो इनको जागृत करने का कार्य भी विशिष्ट एंजाइम्स के माध्यम से किया जाता है। मान लीजिए ग्लूकोज का रूपांतरण ग्लाइकोजन में होना है या ग्लाइकोजन रूपांतरण ग्लूकोज में होना है वो भी विशिष्ट एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है, वो भी इनके द्वारा ही किया जाता है। और जो पेशी संकुचन क्रिया होती है उसको भी प्रेरित करता है एक विशिष्ट एंजाइम्स जो कि इस क्रिया के माध्यम से बनता है। इस प्रकार से जो हार्मोन है अपने संदेश के माध्यम से कोशिका के अंदर विभिन्न गतिविधियां या उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक
जो सेली है उसे रूपांतरण उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हार्मोन है, दोनों प्रकार के हार्मोन अपनी क्रिया विधि के द्वारा कोशिकाओं में अपने संदेश को प्रेषित करके जे रसायन क्रियाओं के माध्यम से जो उनकी गतिविधियां हैं उनका संचालन करते हैं। तो आज हम इस यहां तक ही बात करते हैं और बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।